मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के विक्रोली इलाके में शिवसेना नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। करीब उन पर 3 राउंड फायरिंग की गई है। ये घटना टैगोर नगर साईं मंदिर के पास हुई है। घटना आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास हुई है। शिवसेना के उप विभाग के प्रमुख चंद्रशेखर जाधव पर फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में जाधव गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए विक्रोली के गोदरेज अस्पताल में भर्ती किया गया है, जो आईसीयू में है और हालात गंभीर बताई जा रही है। जिस वक्त ये फायरिंग हुई है, सुबह का वक्त था, फायरिंग की आवाज़ सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अपने बेटे के साथ में घर से निकले थे और हमलावर ने जाधव पर 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली जाधव के कंधे पर लगी है और सड़क किनारे जाधव गिर गए। हमलावर भागने की कोशिश करने लगा, मगर भीड़ ने उसे पकड़कर पिटाई कर दी और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिवाल्वर भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस आगे मामले की छानबीन कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।